हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभदीप दास और मेरे यूट्यूब चैनल आर्टवित्सुवादिप में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब तो इंडिया भर में लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सब लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मैं भी बोर हो रहा था तो मुझे लगा कि रूम में ऐसा कुछ करना चाहिए कि, तो आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक मिट्टी से पेन स्टैंड बनाया जाता है, बना सकते हो, तो बने रहिए मेरे साथ। पहले आपको एक मिट्टी का ब्लॉक लेना पड़ेगा, आप कोई भी साइज ले सकते हो। मैं 4 इंच और 12 इंच का एक ब्लॉक लिया। आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के अंदर का जो हवा है ना, उसको आपको निकाल देना है, नहीं तो ये क्रैक कर जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी ना हो तो आप चाइनीज क्ले भी यूज कर सकते हो। कैसे मिट्टी के अंदर का हवा बाहर निकाल दिया जाता है, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख के आप मिट्टी बना सकते हो। उसके बाद आपको लेआउट बनाना पड़ेगा। जिस साइज का आपने ब्लॉक लिया, उस साइज का ही आपको लेआउट बनाना है। तो आपको दिखेगा कि मैंने एक लेआउट बना लिया है, 4 इंच और 12 इंच का लिया था ना, तो उस साइज का ड्राइंग करके मैंने फ्रंट साइज और लेफ्ट साइज का लेआउट बना लिया। आपको भी ऐसा बनाना है। अब मैं ब्लॉक के ऊपर भी ड्राइंग कर लूँगा। ड्राइंग करने के लिए मैंने पेन यूज़ किया है, आप कोई भी लुकी लुकी यूज़ कर सकते हो। मिट्टी में काम करने का एक ही फायदा है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ड्राइंग करते समय आपको ध्यान रखना होगा, फिर तो इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा ड्राइंग कर लूँगा। तो दोस्तों, ये तो ड्राइंग बन गया, अब इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए मैंने पेन नाइफ यूज़ किया है, आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हो। काटने के समय आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि आपको लाइन से बाहर तक काटना है, मतलब दोनों लाइन के अंदर बीज जैसा से बन जाए, ऐसे आपको काटना है। तो चलो पूरा का पूरा काट लेते हैं। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब आप कर देंगे तो वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और बना रही मेरे साथ। तो दोस्तों, ये तो मेरा कटिंग हो गया, अब इसको सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए मैं इसको रूम टेम्परेचर में रखूंगा, मैं धूप में नहीं दूंगा। अगर धूप में दिया तो ये इधर उधर से क्रैक हो जाएगा। आपको भी इसको रूम टेम्परेचर में ही रखना है, उसके बाद करेंगे इसको कलर, ठीक है। तो चलो इसको सुखाने के बाद वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा काम पूरा सूख गया है अच्छे से। तो ये सूखने के लिए 2 दिन लिया, अच्छे से सूख भी गया। रूम टेम्परेचर में इसको मैंने सुखाया। अब इसको मैं कलर करूँगा। कलर बेसिकली ये तो ट्रेडिशनल वर्क है ना, तो ट्रेडिशनल जैसे कलर करूँगा, येलो, ऑकर, रेड, ऑरेंज, इस टाइप का कलर करूँगा। कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि एक्रेलिक कलर प्लास्टिक कलर है, ये अच्छे से मेल्ट दिखने में अच्छा होता है, थोड़ा सा ग्लेजी होता है। और अगर इसके ऊपर मैंने वाटर कलर या पोस्टर कलर यूज़ किया तो वो दोनों मिक्स हो जाता है, वाटर कलर और पोस्टर कलर। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एक्रेलिक कलर यूज़ कर लो। तो आप देख रहे होंगे मैंने 3 कलर ले लिया। कलर करने के लिए मैंने एक सिंथेटिक ब्रश लिया है, क्योंकि ये अच्छा होता है, सस्ता होता है कलर करने के लिए, बेसिकली एक्रेलिक कलर करने के लिए। तो मैं पहले तो अच्छे से मिक्स करके उसके बाद कलर अप्लाई करूँगा। तो ये तो पूरा एक बड़ा, मतलब पूरा का पूरा सेट कलर करने के लिए मुझे ज़्यादा करके कलर चाहिए, तो मैं ज़्यादा करके ही कलर लूँगा, क्योंकि अगर कम पड़ गया तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इसके पीछे ब्रशेस रख के कहीं पे भी डिस्प्ले कर दीजिए, तो ये देखने में अच्छा लगेगा कहीं पे भी, अगर इसको आप डिस्प्ले कर देंगे तो पीछे आप जितना हो सके ब्रशेस रख दो। तो आप ऐसे बहुत सारे, ऐसे ही टेक्निक से बहुत सारे काम आप घर में बना सकते हो। तो आप घर में बनाओ और कमेंट बॉक्स में
बनाया और फोटो जरूर डाल देना और वीडियो देखने के लिए।